हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल फूड। सो आज मैं बनाने वाला हूँ कोकोनट कुकीज, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कुकीज मैं कढ़ाई में बेक करने वाला हूँ। चलो तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये कोकोनट कुकीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप घी लिया है, और इसके साथ मैंने हाफ कप पाउडर शुगर ऐड किया है। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से विस्क करें। अभी विस्क करने से हमारे कुकी डो के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है, और ये टेक्निक करने से ही कुकी सॉफ्ट बन जाती है। अभी विस्क करने के बाद मैंने यहाँ पे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है। इसके बाद मैंने एक कप मैदा और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी छान के लीजिए। अब ये छानने से भी कुकी के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है, और ये मेथड करने से हमारा कुकी और स्मूथ और लाइट बन जाता है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। अभी ये कुकी बैटर मिक्स करने की भी एक टेक्निक है। अभी मिक्स करने के वक्त आप देख सकते हैं मैं कुकी बैटर को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं लाइटली सारे इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे से मिक्स कर रहा हूँ। अगर आप ये कुकी बैटर को ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो हमारी कुकी और फ्लैट बन जाएगी। और बस इसे लाइटली मिक्स करने के बाद ये बैटर को आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें। अभी ये कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ऐसे स्टैंड प्लेस किया है, और इसके ऊपर लीड लगाया है। अब ये कढ़ाई को हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक प्रीहीट करें। अभी आधे घंटे के बाद ये देखो, आप देख सकते हैं ये डो कितना हार्ड बन गया है। इसका मतलब हमने जो घी डाला था वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अभी ये कुकीज़ को इक्वल पोर्शन में रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पून लिया है। अभी ये कुकी डो को हाथ से रोल करें। अभी रोल करने के वक्त एक बात ध्यान में रखें, इसे ज़्यादा भी रोल नहीं करना है। अगर आप ये कुकी को ज़्यादा रोल करोगे तो हमने जो फैट्स डाला था वो धीरे धीरे से मेल्ट होना चालू होगा, तो इसे सिर्फ सर्कुलर शेप फॉर्म होने तक रोल करें। अभी ये कुकी बॉल को सारे साइड से डेसिकेटेड कोकोनट से कोट करें। अभी ये कुकीज़ को मैं कढ़ाई में बेक करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्टील की डिश ली है। अभी ये डिश के ऊपर मैंने फ्लावर से डस्ट किया है। अभी ये डस्टिंग करने से कुकी सरफेस पे स्टिक नहीं होंगे। इसके बाद ये कोकोनट कुकीज़ को डिश पे प्लेस करें, और इसके बाद ये कुकीज़ को कढ़ाई में 35-40 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे बेक करने को रखें। बेक करने के बाद ये देखो, आप देख सकते हैं कुकीज़ के ऊपर कैसा अच्छे से कलर आया है। अब ये कुकीज़ को 10 मिनट के लिए ठंडे होने को रखें, और बस आपके कोकोनट कुकीज़ रेडी है। अब ये देखो, ये कुकीज़ दोनों साइड से अच्छे से बेक हुई है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कोकोनट कुकीज़ खाने के वक्त ये इजीली मुंह में मेल्ट हो जाती है। ये कोकोनट कुकीज़ की रेसिपी आपको कैसे लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।